एक और बड़ी खबर है, बोर्ड आयोगों में अध्यक्ष की सेवाएं समाप्त हुई। प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किए हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बोर्ड आयोगों में अध्यक्ष की सेवाओं को समाप्त किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किए हैं। अब देखिए, नई सरकार का गठन हो रहा है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली जा चुकी है। अब आगे की तमाम प्रक्रियाएं होंगी और बोर्ड आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं उनकी सेवाओं को समाप्त किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इससे पहले कल कार्मिक विभाग ने भी आदेश जारी किए थे। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतुराज जी, जानकारी दीजिएगा, बोर्ड आयोग में अध्यक्ष की सेवाओं को समाप्त किया गया है, कब आगे नियुक्ति की जा सकती है? देखिए, जो पुराने जितने भी बोर्ड आयोगों में अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, सरकारी और गैर सरकारी सदस्य मनोनीत थे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ साथ ही जो सलाहकार के तौर पर नामित सदस्य थे या नामित रूप में कोई पदाधिकारी थे, उनकी भी सेवाएं तुरंत प्रभाव से एक लाइन के आदेश के साथ ही समाप्त कर दी गई है और प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह आदेश जारी किया है। अब इन बोर्डों, आयोगों, निगमों में, स्वायत्त शासी संस्थाओं में नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, जो कि सियासी नियुक्तियां होंगी, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। ये तमाम नियुक्तियां यहाँ पर प्रक्रियाओं को अमल में लाया जाएगा। इसके साथ साथ ही इस आदेश में ये साफ तौर पर लिखा है कि जिन संस्थाओं के वैधानिक दर्जा होने के चलते भंग नहीं किया जा सकता या फिर उनको उनके निरसन की कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसके बारे में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसको संबंधित विभाग, जो कि नोडल अधिकारी, नोडल विभाग होता है, उसे पत्रावली भिजवानी होगी, जिसके बारे में वहां पर निर्णय लिया जाएगा मुख्यमंत्री कार्यालय में कि कैसे इन बोर्डों, आयोगों के लिए क्या कदम उठाने जाते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि नई सरकार के गठन के साथ ही इस तरह की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है, जिसके चलते जो पुराने आयोगों के सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनको उनकी सेवाओं को समाप्त करते हुए नए सिरे से यहाँ पर जो नियुक्तियों की कार्यवाही शुरू नई सरकार कर सकती है। यह एक तरह की प्रक्रिया को अमल में लाया जाता है। ठीक है ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।